हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ 13.3 और 13.1, 13.2 के मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में वो डाल दिया है, ठीक है। और 13.3 में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक स्फीयर है मेटल का जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, ओके, रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। अब इसको पिघलाकर दोबारा किसकी सिलेंडर की शेप में बना लिया गया, ओके। अब जब कोई भी चीज़ मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की क्या हमें फाइंड करनी है, हाइट। सो एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके रीकास्ट मतलब दूसरी शेप में हमने बना दिया है और वह सिलेंडर की शेप, सिलेंडर का रेडियस दे रखा 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट फाइंड करनी है, ओके। तो स्फीयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का रेडियस जिसे हम R2 मान लिया 6 सेंटीमीटर है। तो जब कोई भी चीज़ पिघला के मेल्ट करते हैं, एक शेप में दूसरे शेप में लाते हैं, तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है, क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम रहेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला है आयतन का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब क्या करेंगे आप, इस पाई से इस पाई को कैंसिल आउट कर सकते हो। R2 की वैल्यू मतलब सिलेंडर की वैल्यू में रेडियस की वैल्यू क्या है, 6, 6 स्क्वायर है तो 6 को दो बार आप लिख लो। H आपको फाइंड करना है 4/3 R1 की वैल्यू कितनी है, 4.2 लिखोगे तीन बार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। अब आपको H फाइंड करना है, ओके, 4.2 तो ये जो 6 और 6 है ये आप कह जाएंगे डिवाइड में, ठीक है। अभी क्या करना है, ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10। इस डेसिमल को हटाने पे भी आ जाएगा 10, इस डेसिमल को हटा के भी यहाँ पे आ जाएगा 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल लग रहा है, 1 के बाद डेसिमल लग रहा है, इसलिए 10 लगा रहे हैं। अब इनको आप सॉल्व कर सकते हो, काटना चाहो काट सकते हो, 3 1 3 3 से कट जाएगा, 3 1 3 कितना बचा यहाँ पे, 1, 1 और 2 12 हो गया, 3 4 12, ओके। इसी तरीके से 6 1 6 6 7 6 के 12 में 7 बार कट जाएगा, 6 1 6 6 के 12 में 7 बार 42 आता है, ठीक है। अब क्या कट सकता है, कुछ नहीं। अब क्या करना है आपको, ऊपर 4 दे रखा है, 14 है, 7 है, 7 है, और नीचे क्या है, 3 बार 10 है, तो मतलब 1000 ले लो आप, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो आंसर आएगा 14 4 56, 7 7 49, ओके। अब इनको 56 और 49 को मल्टीप्लाई कर लो, ओके, करो मल्टीप्लाई, जो आंसर आएगा उसके बाद 3 डिजिट के बाद 0 लगा देना, क्योंकि डेसिमल लगा देना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1000 है। इनको 6 9 54 ठीक है, 4 4, तो ये आंसर आ रहा है आपका, आंसर आ गया है 2 7 4 4। अब यहाँ पे 1000 है तो 3 के बाद डेसिमल लगा दो आप, ओके, आंसर आएगा 2.7 4 4। अब हाइट है, हमारा यूनिट चल रहा था सब कुछ सेंटीमीटर में, ओके, तो हाइट भी हमारी आएगी सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं।
मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो तीन मेटल के स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक का 8 सेंटीमीटर है और एक का 10 सेंटीमीटर है। आर मेल्टेड, और इन तीनों को क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। और तीनों रेडियस के स्फीयर को मेल्ट करके पिघला के एक सिंगल बड़ा सा स्फीयर बनाया गया है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, जो बड़ा रेडियस बन रहा है, बड़ा सा स्फीयर बन रहा है, इसका हमें रेडियस फाइंड करना है। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फीयर, सेकेंड रेडियस स्फीयर का रेडियस है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड स्फीयर, थर्ड स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। जब तीन को मेल्ट करके एक बना रहे हैं तो इन तीनों का वॉल्यूम बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ थ्री गिवन स्फीयर, इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल है वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो फर्स्ट वाले का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, 4/3 πr²³, 4/3 πr³³। मतलब इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2, इसका रेडियस 3, इसलिए r1 r2 r3 हमने रख लिया है। बड़े वाले का क्या होगा वॉल्यूम, 4/3 πr³, क्योंकि इसका रेडियस हमने कैपिटल R लिया है। इन तीनों में से हमें क्या कॉमन दिख रहा है, अब देखो 4/3 कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ क्या बचेगा r1³, यहाँ रह जाएगा r2³, यहाँ रह जाएगा r3³। 4/3 πr³, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू हमारी है 6, r2 की वैल्यू है 8, r3 की वैल्यू है 10³। 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब करने के लिए 6 को 6 से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 6 से सॉरी कितना का 216। 8 को 8 से 3 बार करोगे 512 आएगा, 10 को 10 से 3 बार करोगे तो 1000 आएगा। ओके, इनको ऐड कर लो, ये हमारा आर है, ऐड करेंगे 1728 आएगा। ओके, अभी यहाँ आर क्यूब है, इसका भी क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा, निकालो, 8 है तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 8 जा 2 8 16, एक बचेगा यहाँ पे, 12 हो गया, 2 6 12, 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। ओके, 2 के डेल में 2 बार जाएगा 4, 3 1 बार में जाता है तो एक बचेगा यहाँ पे, 12, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, अब 16 है, 2 8 16, जब दो नंबर एक साथ हम पीछे के डिवाइड कर लेते हैं तो बीच में क्या आता है 0, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, एक बचा यहाँ पे, 14, 2 7 14, अभी 3 से करेंगे, 3 लेना था तो ये 3 3 के पेयर बना लो, 1 2 3, तो ये बन गया 2 2 और 3। क्यूब भाग ले लो, 2 2 4 4 3 12। ओके, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। अ 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं है जो 20 मीटर गहरा है, विद डायामीटर 7 मीटर, इसका डायामीटर 7 मीटर है, तो रेडियस क्या करेंगे, डायामीटर का हाफ कर लेंगे। ओके, ये रेडियस आ गया। इस डग, मतलब एक वेल डग, मतलब खोदा गया जिसकी हाइट गहराई 20 मीटर है, उसका रेडियस 7 मीटर है। ओके, नेक्स्ट, एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग, और डिगिंग मतलब इसको खोदने से जो मिट्टी निकली है, इज इवेनली स्प्रेड आउट, और बराबर इसको फैला दिया गया है, टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब चबूतरा टाइप का बनाने के लिए कुएं के बाहर, 22 मीटर बाय 14 मीटर,
ये इसकी लंबाई है, लेंथ कितनी है 22 मीटर और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये, इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है? हाइट। लेंथ दे रखा है, विड्थ दे रखा है और हाइट आपको फाइंड करना है। तो एक चीज़ बताओ कि यहाँ से जो मिट्टी निकली होगी उसी सॉयल मिट्टी का इस्तेमाल करा होगा इसको बनाने में, प्लेटफॉर्म को बनाने में। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट ऑफ द वेल, जितना यहाँ से अर्थ मिट्टी निकाली गई है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन द प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म में जो मिट्टी है उसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ की जो अर्थ मिट्टी निकाली गई है वही अर्थ यहाँ लगा दी गई है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है। ये सिलेंडर की शेप में है वेल, तो इसका वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, और ये प्लेटफॉर्म हमारा क्यूबॉइड की शेप में है, इसका वॉल्यूम हो गया लेंथ विड्थ इनटू हाइट। ओके, इसको एस टू मान लो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच आपका दे रखा है। अब पाई की वैल्यू पुट कर लो, 22/7, आर स्क्वायर, रेडियस कितना 7/2, दो बार लिख लेंगे। हाइट, हाइट हमें दे रखी है कितनी है 20 मीटर। ओके, एल कितना है 22, बी कितना है 14, और एच टू आपको निकालना है, इसका एच फाइंड करना है। तो क्या करोगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 10 बार में कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे 22, और क्या बचेगा यहाँ पे 7, और क्या रह गया 10, नीचे कुछ नीचे क्या है 2 है। ओके, वैसे एच टू से इसको काट सकते थे बट कोई नहीं। अब आपको एच टू फाइंड करना है, तो एच टू के पास जितने भी टर्म हैं इन दोनों को हम गलाएंगे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे है मल्टीप्लाई। ओके, सो 22/7 × 10, ये दोनों टर्म आएंगे डिवाइड में हमारे पास नीचे, 22 से 22 कट गया, 7 × 7 = 14। ओके, हमारे पास ऊपर है 10, नीचे है 2 × 2 = 4। इनको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2.5 मीटर। ओके, तो ये प्लेटफॉर्म की हाइट हमारे पास आ जाएगी 2.5 मीटर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, एक वेल जिसका डायमीटर 3 मीटर है, तो डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस उसका हाफ हो गया 3/2, इज डग 14 मीटर डीप, उसको 14 मीटर गहराई तक इसको खोदा गया है, 14 मीटर, इसकी गहराई कितनी है 14 मीटर। ओके, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, और जो इसमें से अर्थ निकाली जाएगी, मिट्टी निकाली जाएगी, हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ। तो जो इसमें से मिट्टी निकाली गई है वो सर्कुलर, पिछले वाले क्वेश्चन में क्यूबॉइड की शेप में हमने इसको लगाया था, यहाँ पे रिंग की फॉर्म में इसको चारों तरफ लगा देंगे। ठीक है, विड्थ 4 मीटर, उसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 मीटर है। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट हम बना रहे हैं, मतलब चबूतरा टाइप का बना रहे हैं हम इस पर। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, और इसकी हमें यहाँ पे भी हाइट फाइंड करनी है, कितनी हाइट है। सो डायमीटर वेल का दे रखा है 3, रेडियस 3/2 आ गया, वेल का डेप्थ मतलब गहराई दे रखी है 14 मीटर, विड्थ ऑफ एम्बैंकमेंट चौड़ाई कितनी है 4, ये चौड़ाई 4 है। ओके, आउटर रेडियस, देखो ये वेल अगर है आपका, ये एम्बैंकमेंट है, ठीक है, ये रेडियस आपका 3/2 है, और उसमें अगर ये चौड़ाई मीन्स अगर ये इसको हम ऐड कर देते हैं तो बाहर तक का रेडियस मिल जाएगा, मतलब ये 3/2 है, ये कितना 4 है, 4 ऐड कर दिया, 3/2 मतलब 1.5 हो गया डिवाइड करके, और ये 4 ऐड कर लोगे तो 5.5 आंसर आ जाएगा। मतलब बाहर का रेडियस यहाँ से लेकर बाहर तक का रेडियस है 5.5, और ये अंदर का रेडियस है 3/2। ओके, सेम क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, अर्थ टेकन आउट फ्रॉम वेल, वेल से जो हमने अर्थ निकाला है उसका वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि जो वेल है हमारा वो सिलेंडर की शेप में, इसलिए सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये जो रिंग है
मिट्टी तो यहाँ पे भी है ना इस वाले पॉट, यहाँ पे तो नहीं है, तो वेल है आपका ये वाला अंदर वाला, ये वेल है और चारों तरफ ये इम्बाक में चबूतरा बना हुआ है, मिट्टी तो यहाँ है ना, तो ये रिंग बन गई। रिंग का फॉर्मूला हमेशा ये भी सिलेंडर ही बना एक तरह से ऊपर से नीचे तक, ओके। बट इसमें यहाँ पे मिट्टी नहीं है ना, मिट्टी तो सिर्फ यहाँ पे है। सो पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर, मतलब बाहर के रेडियस में से अंदर के रेडियस को माइनस कर देंगे। हमेशा यही होता है रिंग फॉर्मूले में कि बाहर के, मतलब यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर स्क्वायर है आर का स्क्वायर, लेकिन यहाँ दो रेडियस है, तो बड़े रेडियस में से छोटे के रेडियस को हम माइनस कर लेते हैं स्क्वायर को, और इनटू हाइट मतलब एच इसका रहेगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। इस वेल में, वेल में जो अर्थ थी उसका था, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट कर लेंगे। आर टू, आर आर की वैल्यू कितनी थी, थ्री अपॉइंट टू, तो थ्री अपॉइंट टू का आप दो बार लिख लो। हाइट कितनी है वेल की, कितनी हाइट है 14, ओके आप 14 ले सकते हैं यहाँ पे। आर टू की वैल्यू कितनी है 5.5, और आर वन की वैल्यू कितनी है 1.5 लिख लो, या फिर चलो 1.5 कर लेते हैं, और एच आपको फाइंड करना है। कुछ कर देगा 2 1 2, 2 7 14, ओके 3 3 9, 9 7 63 अपॉन 2, 5.5 का स्क्वायर करो और 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 आ जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं, 5.5 को 5.5 से करो मल्टीप्लाई, वही सेम 275, 5 30 25, दो एक के बाद ऐसे मिलते हैं यहाँ, दो के बाद लगेगा, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे जीरो आएगा, 30 में से 2 गया 28, ओके। जब एच टू आपको फाइंड करना है तो 28 आएगा आपका डिवाइड में, ओके कर सकता है 7 9 7 4, ओके। तो 9 है नीचे, क्या 2 4 8 है, इनको डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 1.125 मीटर, ये हाइट आएगी आपके प्लेटफॉर्म की, एम्बाकमेंट की, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर कोन, एक कंटेनर है कोन की शेप में है, ठीक है, कंटेनर मतलब बर्तन है, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितना होगा 12 अपॉन 2, मतलब 6 6 का रेडियस आ गया, ठीक है। एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर, हाइट 15 है और डायमीटर 12 था, तो रेडियस 6 रह गया, ठीक है। फुल ऑफ आइसक्रीम, इसमें पूरे में आइसक्रीम भरी हुई है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कॉन्स, और इस आइसक्रीम को इन कॉन के अंदर भरना है, ठीक है। ऑफ हाइट 12, इस कॉन की हाइट 12 है, डायमीटर 6 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 का हाफ 3 हो जाएगा। हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप, और इसके कोन के ऊपर एक शेप बनी है हेमिस्फेयर, आइसक्रीम वाला देता ना पहले कोन में इतना भरेगा फिर ऊपर से भी थोड़ा भर देगा, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, तो ऐसे कितने कोन इस आइसक्रीम से आप फिल कर सकते हो वो आपको बताने, कितने नंबर ऑफ कोन्स, कितने कोन भर सकते हो, ओके। तो ये वैल्यूज मैंने लिख दी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 आ गया, हाइट ऑफ सिलेंडर 15 आ गया, रेडियस ऑफ कोन, कोन का रेडियस कितना है 6 का हाफ 3 हो गया, ओके। हाइट कोन का कितना है 12 है। अब क्या करना है, अगर आपको कोन का कितने कोन भर सकते हो उसका नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ कोन्स फिल्ड विद आइसक्रीम, तो टोटल वॉल्यूम जो आइसक्रीम का सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द वन कोन, ओके। अब कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। आइसक्रीम कोन में कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके,
और आइसक्रीम में तो आधा ये स्फीयर भी ना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है गोले का, आधे आधे हेमिस्फीयर का, टू अपॉन थ्री पाई आर की क्यू, इन दोनों का रेडियस तो सेम है। देखिए आगे, पाई रेडियस कितना था इसका, सिक्स था, ओके तो सिक्स को दो बार लिख लो। एच कितना इसका, 15 है, यहाँ से पाई बाहर ले लो आप कॉमन, क्या बचा यहाँ पे 1/3। आर की वैल्यू क्या है, आर कितना रेडियस है इसका, 3 है, ओके तो 3 को आप दो बार लिख लो। हाइट तो आपको फाइंड करना है कितना हाइट है, ओके सॉरी हाइट गिवन है, हाइट आपके पास है 12 लिखा हुआ है, फिर प्लस 2/3 पाई तो हमने बाहर ले लिया कॉमन, आर थ्री की वैल्यू फिर से वही 3, 3 बार लिख लेंगे, काटो पाई से पाई कट गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इस 3 से 3 कट गया, क्या रहेगा 6 6 15, 12 3 36, 3 3 9 9 2 18 18 आ गया, ठीक है 6 15 6 90, ओके इनको ऐड कर लो, ठीक है इनको काट सकते हो, 9 के टेबल में 10 बार कटेगा और 9 के टेबल में 6 बार, ठीक है इस 6 से ये वाला 6 कट गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 10, 10 कौन हम ऐसे भर सकते हैं, इस आइसक्रीम से ऐसे 10 कौन भर सकते हैं। और अच्छे से इसको क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करके आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन में साथ के साथ कर दे जाके आपको कोई भी डाउट ना रहे, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन मतलब चांदी के सिक्के हैं ये, 1.75 इन डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 1.75 सेंटीमीटर, और डायमीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है तो उसको हमें हाफ मतलब आधा करना पड़ता है 2 से डिवाइड करके, ठीक है तो डायमीटर से रेडियस हमारा आ गया। थिकनेस 2 mm, इसकी जो मोटाई है, इसकी जो थिकनेस मतलब जो मोटाई है 2 mm है, 2 मिलीमीटर, अब मिलीमीटर हमारा ये है, ये सेंटीमीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा 10 से डिवाइड करके, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ओके। अब इसको ऐसे कितने कॉइन मेल्ट करोगे, पिघलाओगे कि आपका ये क्यूबॉइड बनेगा, लिखा ना, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये इसकी लेंथ दे रखी है, ये विड्थ है और ये हाइट, LBS आपको दे रखा है, और इस शेप के कितने मेल्ट करोगे तो ये बनेगा, तो सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया था, नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, एक कॉइन का वॉल्यूम आप यहाँ लिखोगे, जिसका नंबर आपको निकालना पड़ता है उसके एक का वॉल्यूम डिवाइड में रखो, और टोटल वाला आपका रहेगा ऊपर, इसका वॉल्यूम LB इंटू H रहेगा, इसका है सिलेंडर है ना तो पाई आर स्क्वायर H, ओके लिखो, L कितना है 5.5, B कितना है 10 और H कितना है 3.5, इसका पाई, पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 1.7275/2, 1.75, दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2/10, बहुत ध्यान से देना कैलकुलेशन। अब 5.5 10 3.5, जो सबसे नीचे की टर्म है 7 2 2 10, ये सबसे ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है ऊपर 7 2 2, और यहाँ जगह नहीं है मैं यहाँ टेल लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ क्या बचा 22, यहाँ 1.75 और 2, ठीक है एक 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, इस डेसिमल को हटाओ तो यहाँ पे आएगा 10, ओके क्योंकि एक के बाद है यहाँ 10 से 10 कट गया, 11 के टेबल में 2 बार जाएगा, 11 के टेबल में ये 5 बार जाएगा,
ठीक है, ऊपर 5 रहेगा, यहाँ पे यहाँ 3.5, यहाँ पे है आपका 7, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 10, यहाँ नीचे क्या रह गया 2, ओके 1.71, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल 1 के बाद है तो यहाँ पे 10 लगा दोगे, ठीक है, यहाँ डेसिमल 2 के बाद है तो यहाँ 100 लगा लो, और यहाँ डेसिमल 2 के बाद तो यहाँ फिर से 100 लगा लो, ऊपर 2 बार 100 लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये 10 से ये 10 कट गया हमारा, ठीक है। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, देखो 7 से काटो, 7 मन जा 7, 7 टू जा 14, कितना बचा यहाँ पे, 3 बच गया, 35 हो गया, 7 5 जा 35, ओके, 5 वन जा 5, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। फिर से एक बार लिख लेते हैं, 100 100, ये 7 है और कुछ नहीं बचा ऊपर, सब कुछ कट चुका है, नीचे बचा है 175, ओके। अब 7 से काट लो, 7 टू ज़ा 14, 3 7 5 ज़ा 25, 35, 25 वन ज़ा 25, 25 4 ज़ा 25, चौके से होता है, ठीक है। अब 100 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 400, तो 400 कॉइन जब आप मेल्ट करोगे, ठीक है, 400 कॉइन मेल्ट करोगे तो ये कीवर्ड बनेगा। और एक एक कैलकुलेशन आपको बताई है, आप कैलकुलेशन अपनी भी यूज़ कर सकते हो, बस मेथड ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक बकेट मीन्स एक बाल्टी है जो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, 32 हाइट, इसकी हाइट कितनी है 32, एंड विद रेडियस बेस 8 सेंटीमीटर, इसका यहाँ का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 32 है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इस फिल्ड विद सैंड, उसमें रेत भरी हुई है, पूरा ये रेत से भरा हुआ है, सैंड मिल्स रेत से भरा हुआ है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, इसको जमीन पे खाली कर दिया, ठीक है, सारी सैंड इसमें से निकाल दी, एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और एक कौन की शेप में कौन का ढेर, उसका सैंड का हीप मतलब ढेर बन गया कौन की शेप में, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस एंड स्लेंट हाइट ऑफ द हीप, इसकी रेडियस फाइंड करनी है और इसकी स्लेंट हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो अभी आपको बताया, जब जितना सैंड इसके अंदर था वही सैंड हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, ओके, तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा, सो वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंडर, यहाँ पे जो वॉल्यूम है सैंड का इक्वल वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द कॉनिकल हीप, और जो वॉल्यूम सैंड का यहाँ पे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, ओके। कौन का सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कौन का आप जानते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ओके, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना 8 है, 8 लिख लो दो बार, एच की वैल्यू कितनी है 32 यहाँ लिख देते हैं, एच 32, ओके। ये आर स्क्वायर आपको मालूम ही नहीं है, ये रेडियस तो फाइंड करना, और हाइट कितनी है 24। अब ये 3 है, 3 वन ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, ओके, 8 × 8 × 32, जब आर स्क्वायर आपको फाइंड करना है, यहाँ पे निकालना है, तो ये 8 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 टू ज़ा 16, 8 3 24, 25 आ गया, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है आपको निकालना पड़ेगा, आना चाहिए फिर भी मैं करवा रहा हूँ, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 1 बचा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 से 8 बार में जाएगा,
से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। आपको स्क्वायर निकालना, तो दो दो के पेयर बनाओ, 1 2 3 4। ओके, तो ये बन गया 4 बार, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 का स्क्वायर हो गया। ओके, इससे कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपका आ गया। अब आपको आर तो आपने फाइंड कर लिया, अब एल भी फाइंड करना है। एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, हाइट कितनी है कौन की, 24। रेडियस कितना निकाला, 16 का स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर होता है 576, 16 का होता है 256। इनको ऐड कर लो, और इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो आपका एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इन अ कैनल, एक कैनल है उसके अंदर वाटर 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो कैनल की जो विड्थ मतलब चौड़ाई है 6 मीटर है, गहराई है इसकी 1.5 मीटर है। इस फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आर, और जो वाटर है 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से फ्लो कर रहा है। ओके, इस कैनल में, ये कैनल है हमारी, इसकी वाटर इस स्पीड से जा रहा है। अब 100 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1000 हो गया। 10 किलोमीटर को मीटर में करा तो ये आपका आएगा, सॉरी 10,000 आ जाएगा। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और ये आपका बन गया, ये विड्थ आपका 6 है, हाइट आपका ये है, और जो स्पीड है इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये जो आंसर आएगा ये आपका 1 आवर का है, 1 घंटे का है, 1 घंटा मतलब 60 मिनट का है, इतना है। तो 60 मिनट का अगर इतना वॉल्यूम वाटर का है, इतना मीटर क्यूब, तो 1 मिनट का कितना होगा, 60 से डिवाइड कर लो आप, इनको सॉल्व कर लोगे तो 1 मिनट का इतना आ गया। 30 मिनट का हमें फाइंड करना है कि 30 मिनट में कितना, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट, 30 मिनट में कितना एरिया को इरीगेट, सिंचाई कर देगा, इफ़ 8 सेंटीमीटर इज ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, अगर जो फील्ड है उसमें जो वाटर है उसकी हाइट 8 सेंटीमीटर तक है तो। सो तो 30 मिनट का अगर आपको निकालना है, देखो 1 मिनट का तो इतना वाटर है, इतना वॉल्यूम है, 1 मिनट में इतना फ्लो करता है, तो 30 मिनट में कितना फ्लो करेगा, तो 1 मिनट में जितनी वैल्यू थी उसको हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 45,000 मीटर की, मतलब इतना वॉल्यूम 30 मिनट में, इतना वॉल्यूम पाइप से जा सकता है, ठीक है, कैनल से। और आपको बताना है कि एरिया इरीगेटेड बाय वाटर, कितना एरिया इरीगेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आपका 45,000 मीटर क्यूब है, ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर नीडेड, जो मतलब जो पानी भरेगा खेत में उसकी गहराई 8 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई तक पानी भरा होना चाहिए। अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, 8/100 मीटर आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम क्वेश्चन मीटर में कर रहे हैं, सो डेप्थ ऑफ वाटर को हम 8/100 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 8 है 45,000, 8, ये 1000 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 56,000 इतना मीटर स्क्वायर एरिया इरीगेट होगा, सिंचाई होगा। जब इसको आप हेक्टेयर में कन्वर्ट करोगे तो 10,000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर क्यूब होते हैं। ओके, सो इसमें कन्वर्ट जब करोगे तो 1, 2, 2 जीरोस तो आप काट सकते हो,
वन टू दो के बाद डेसिमल वाला हो जाएगा, तो बनेगा 56.25 हेक्टेयर। मतलब इतना हेक्टेयर एरिया इरिगेट होगा 30 मीटर वाटर अगर हम चलाते हैं इस कैनल से। तो लास्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये पाइप कनेक्ट कर लिया इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, और ये टैंक से कनेक्ट कर दिया, ये टैंक है और ये पाइप है, ओके, विच इज 10 मीटर इन द डायमीटर। इसका डायमीटर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, सो 10 मीटर है तो 5 मीटर का रेडियस हो जाएगा। 2 मीटर डीप, इसकी गहराई कितनी है, 2 मीटर है, मीन्स हाइट। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसमें जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर है, इन हाउ मच टाइम विल टैंक फिल, और टैंक कितने टाइम में भरेगा, ये आपको निकालना है। तो स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस ऑफ वाटर मतलब 1 घंटे में कितना वाटर कवर कर रहा है, इसका 3 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है, ओके। तो 1 आवर का मतलब 60 मिनट होता है, 60 मिनट में 3 किलोमीटर को आप कन्वर्ट करोगे मीटर में, ओके, तो मीटर में कन्वर्ट हो गया, मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर में 3000 मीटर वाटर कवर करेगा, तो 1 मिनट में कितना करेगा, आप डिवाइड कर लो 60 से, ये 1 मिनट में इतना कवर करेगा, ओके। तो 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है, तो इसको पूरा भरने के लिए कितना टाइम चाहिए, सो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक, इस टैंक का टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ओके, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप, पाइप में 1 मिनट में कितना वॉल्यूम है, इतना है, कितना है, 3000 अपॉन 60, ओके। इसको जब आप सॉल्व करोगे, पाइप की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर कितना रेडियस है पाइप का, 10/100, सॉरी टैंक का हमें निकालना, टैंक का है 5, 5 दो बार आप लिख लो, टैंक की हाइट कितनी है 2, 33000 है, 60 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे का ऊपर चला जाएगा, ओके, सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 22, 5, 5, 2 और 6, ये 7 इसके साथ आएगा नीचे, 5 1 5, 5 6 30, ओके, और 1 0 और हो जाएगा, 6 से 1 बार में 6 से 10 बार में कट जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 100 मिनट, कितना आएगा, 100 मिनट्स आंसर आपका आएगा। ये याद रखना है कि जो टोटल टाइम आपको फाइंड करना है, टोटल वाटर कितना आएगा टैंक में, ठीक है, और ये जो पाइप है इसमें 1 मिनट में कितना वाटर जा सकता है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, अभी हमने निकाला था ऊपर, ओके, वो डिवाइड में रहेगा और टैंक का वॉल्यूम ऊपर रहेगा। तो ये क्वेश्चंस थे आपके, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो लिख के, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को इनको शेयर करना। और ये चैप्टर बहुत ईजी नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से लैंग्वेज से समझना है, डायग्राम बनाना है, फॉर्मूले को लिखना है, और कैलकुलेशन को अच्छे से करना है, और यूनिट भी लिखना है, एरिया है तो मीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है, वॉल्यूम है तो उसको क्यूब में लिखना है। सो ये था आपका चैप्टर, ओके?